जैसा भी ये देख सकते हो आप गाड़ी में पूरा का पूरा डेंटिंग का काम हो चुका है, पुट्टी भी लग चुकी है, अपना टायर कैरियर फिलहाल खोला हुआ है। तो भाई साहब ये हेडलाइट है जो हम 700 में यूज करने वाले, बहुत स्पेशल चीज दिखानी थी। अब 1 2 3 ये रखें। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल, आप आ चुके हैं एक और वीडियो में। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं शाम से, क्यों? क्योंकि आज का वीडियो में बहुत स्पेशल चीजें हैं जो कि शायद आपको इंस्टॉलेशन तो अभी ना दिखा पाए, बट आई एम श्योर आपको प्रोडक्ट्स जो हैं वो अभी दिखा देंगे। और अभी हम आ चुके हैं बहुत बहुत स्पेशल लोकेशन पे जिसका नाम है ऑटो ट्यूनर्स। तो ये यहाँ पे ये भाई है हमारे। तो भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजत है, विजत गौर। और आपका? मनीष सिंह। और भाई को यूट्यूब का अभी नया नया शौक चढ़ गया, व्लॉगर बनने वाले। किस नाम से आएगा चैनल? मनीष गेड़ा व्लॉग्स। तो जब तक वीडियो आएगी तब तक आ जाएगी आपकी वीडियो? हाँ, तब तक आ जाएगी। पक्का? हाँ। पक्का? डन है, डन। सोच लो। हाँ, सोच लिया भाई, सोच लिया। तो भाई साहब यहाँ पे इनका स्टोर है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसमें क्या 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 है भाई आपके पास। हमारे पास सीट कवर्स है, मैट्स है। स्टार्ट करें तो ऐसे हमारा ऑडियो के अंदर ज्यादा एक्सपर्टीज है, तो ऑडियो की बात करें जिस पर हमने, जिस वजह से आज हम आए भी है यहाँ पे। हाँ जी। तो ये आपकी रेंज ब्लैम की रहेगी, हमारे पास मोस्टवे है और आगे ओरा का लाइनअप है। दिस इज प्राइड, ये अभी तक इंडिया में किसी के पास भी नहीं है। ओके, या द ओनली वन जो प्राइड कर रहे हैं इस टाइम पे। ओके, बाकी ये सारी ब्लैम की रेंज है। दिस दैट्स मोस्टवे। अगर ये ओनली वन है फिर दिखा दो अंदर कैसा दिखता है, हम भी देख लें ओनली वन कैसा दिखता है। और भाई साहब ये देख सकते हो ओनली वन, ये कितना आरएमएस वगैरह है? दिस इज अ 4 चैनल, ये 4 चैनल एम्पलीफायर है आपका। ओके, 75 और 80 आरएमएस पर चैनल। ओके, मतलब क्वालिटी अच्छी है इसकी। हाँ जी, प्राइस इज समथिंग जो भी आपका सीधा ब्रांड, मतलब यू आर पेइंग फॉर द ब्रांड इन शॉर्ट, ये वो चीज है। और ये कहाँ का ब्रांड है? दिस इज अ रशियन ब्रांड। ओके, इवन जो अभी तक जो सबसे वर्ल्ड क्लास ऑफ वूफर्स आ रहे हैं वो प्राइड के ही है। ओके, सबवूफर से याद आया, हम तो आज यहाँ बड़ा सबवूफर वाला काम करने आए हैं, ऐसे मत बोलो, वर्ल्ड क्लास सबवूफर वहाँ के। नहीं, बिल्कुल, मैं वैसे आपको ब्रांड बता रहा हूँ कि मतलब एक आउटर अगर आप देखें तो एक रशिया के हिसाब से जो ये वाला ब्रांड है अभी ऑल ओवर जो वर्ल्ड वाइड है जी, वो बहुत मतलब अच्छी उस पर चल रहा है इस टाइम, मतलब नंबर वन पे पोजिशन चल रही है इसकी जी। और क्या क्या है अपने पास? और अपने पास जो बेसिक आते हैं, जो लोगों को थोड़ा ये है कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा महंगा नहीं खर्चना, या बेसिक जो आप कह सकते हो, उसमें हमारे पास पूरा ओरा का लाइनअप रहेगा। ये सारे 4 चैनल्स रहेंगे, ये आपके मोनोज रहेंगे, ये आपके 4 चैनल रहेंगे, देन आपका मिड रेंज आ जाता है, देन अगेन 4 चैनल। दीज आर लाइक द हाई एंड SQL कॉम्पोनेंट्स फ्रॉम ओरा। ये फिर आपका DSPs आ जाते हैं, ये अगेन कॉम्पोनेंट्स हैं, ये कोएक्सियल्स हैं। और भाई साहब मैं बता रहा हूँ, अभी मैं इन दोनों भाई की गाड़ी में बैठा हूँ, जो इन दोनों ने गाड़ी में किया है तबाही उसमें आप सुनते कैसे हो? आपको हियरिंग अभी ठीक है आपकी? हेयरिंग देखिए, बेसिकली मैं जैसे लोगों को ये बोलता हूँ, हेयरिंग का थोड़ा सा बस ये कि वोकल्स और ट्रेबल थोड़ी सी इतनी रहनी चाहिए कि हाँ, क्योंकि ट्रेबल्स ही होती है जो थोड़ा सा कानून। एक तरीके से डेमो कार है, जैसे कोई आता है ना किसी को दिखाने के लिए, डेमो के लिए वो डेमो कार है एकदम दोनों की। और भाई आज की अट्रैक्शन दिखा दो हमें, आज हम किस लिए आए हैं? ये वैसे ये दिख रहा है मुझे कुछ बड़ा बड़ा, बट हम ये नहीं दिखाएंगे आज आपको क्या दिखा रहे हैं हम। और भाई साहब यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, जैसे मुझे बताया गया था द हिडन जेम, हमारे LBM पाजी, क्या हाल है? बढ़िया। तो भैया कैसे हो, पहले आप ये बताओ। फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास। तो आज हम क्या, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? आज आपकी गाड़ी के सेटअप के लिए बात करेंगे हम। ओके, इसमें आपने हमें रिक्वायरमेंट बताई कि आपको ऐसी आवाज चाहिए जो इसमें आपका पूरा एंजॉय कर सके, मतलब ज्यादा लाउड भी ना हो और ज्यादा कम भी ना हो, अंदर अच्छी आवाज आए, और कभी पार्टी करनी हो तो डोर्स खोल के आप पार्टी भी थोड़ी बहुत कर सके। जी 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 जी, पार्टी वैसे हम कम ही करते हैं, बट ये भाई बहुत पार्टी करते हैं। ये दोनों भाई बहुत पार्टी करते हैं, ये अभी जवान है, हम बूढ़े हो गए हैं। अभी कह रहे थे कि रशिया का कोई ब्रांड दिखा रहे थे मेरे को, हाँ मैंने बोला अभी हम अपना इंडिया, भारत का मेड इन इंडिया होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी ने बहुत मेहनत करी इसके ऊपर जी, तो मेड इन इंडिया ज्यादा आगे आना चाहिए। जी जी जी, तो बाहर के सारे ब्रांड्स हैं इंडिया में, पर अपना यहाँ का अपना देसी माल तो देसी माल ही। सही बात है, सही बात है, देश की मिट्टी। हमने अपनी गाड़ियों में इंडियन ब्रांड लगाई है, हमारे तो कुछ नहीं है। हमारी गाड़ियों में भी LBM भी लगा हुआ है। हम ओपन चैलेंज देते लोगों को। ओपन चैलेंज किस चीज का भाई? गाड़ी 2 बार लगे हुए हैं, इससे लाउड 2 बार में मेरे हिसाब से अब तक कोई गाड़ी आई नहीं। अच्छा है, तो वो लोग शो नहीं करते। अच्छा, शो करो, इवेंट होने चाहिए, पहले होती थी, लाइन अप बंद हो चुकी है, मिलना जुलना होना चाहिए, कोई लड़ाई नहीं, आओ मिलो एक दूसरे से, देखो दूसरे का सेटअप। आपकी आवाज में मुझे कॉन्ट्रोवर्सी का रिझाव लग रहा है, क्या मसला? जवान फोन है ना हमारे भाई लोग। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं, इवेंट्स होते थे पहले, आज से 5 साल पहले जी, कॉलेज था यहाँ पे, दिल्ली कॉलेज का जी, तो वहाँ क्या होता था, बेस बैटल होती थी। अच्छा, उसमें क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जो इंटरनेशनली वर्ल्ड लेवल पे सारी
जो कम्युनिटीज है ना वही इंस्ट्रूमेंट को यूज करती हैं जी, उसको कहते हैं टर्म लैब। ओके, उस टर्म लैब से क्या होता है कि हम गाड़ी के अंदर उसको लगाते हैं और उसका गाड़ी का ना डेसिबल आउटपुट मेजर करते हैं कि गाड़ी में डीबी कितने आ रहे हैं। ये कर रहे हो भाई, शर्म नहीं आ रही है आपको? साइड टॉक्स कर रहे हैं इतनी बात के पीछे। उससे मीटर से आप कंपेयर कर सकते हो कि आपकी गाड़ी में कितनी आउटपुट है। चलो, ये ट्रेंड इंडिया में नहीं है। डीबी मतलब जिससे डेसिबल मेजर करते हैं वो टर्म लैब से होता है। एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है इस इंडस्ट्री का। ओके, वो है अपने पास यहाँ पे अवेलेबल है। किसी बंदे को भी करना आना है यहाँ आके अपना स्कोर करवा सकता है। पड़ता कहाँ पे ऑटो ट्यूनर, ये भी बता दो एक बार। ये हमारा आपका रमेश नगर बाली नगर, अगर किसी को आना भी है तो सबसे ईजी तरीका एक लैंडमार्क है रमेश नगर मेट्रो स्टेशन से नीचे आते ही मेट्रो नंबर आपका 361 के सामने है। आज का टॉकिंग पॉइंट ये देख सकते हो, LBM, LBM MK1 है, ये Mark 1 है। और LBM पाजी से हम पहले बताते हैं LBM की फुल फॉर्म क्या है, पहले लो बेस मेकर। लो बेस मेकर, ये मेरा टीम बेस पे एक फोरम था जी 2006 में, मैंने उस पे जो मेरा हैंडल नेम था ना जी वो था LBM। अच्छा, तो वहां से वो LBM चलता आया तो उसी नाम से सब लोग जानते हैं, तो मैंने सबवूफर को भी LBM के नाम से रखा है। और वैसे मैं बता रहा हूँ मेड इन इंडिया है, बट मेड इन ऐसा नहीं है कि क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज है, मतलब ये जो रेटिंग है उसको भी उससे भी ज्यादा ही देगा। मैंने अंडररेट कर रखा अपने सब उसको, मैंने वो आप ज्यादा पावर डाल सकते हैं जी, पर वही कंट्रोलेबली चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी जी जी जी। तो अभी हम अपनी थार में कौन सा वाला लगा रहे हैं वैसे? आपका जूनियर लगा रहे हैं। ओके, क्योंकि अगर आप बड़े में जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिकल अपग्रेड करने पड़ेंगे, बैटरी लगानी पड़ेगी। ओके, और मतलब पंगा हो जाएगा वो आपकी, अब जैसे कह रहे हैं आपकी गाड़ी में स्पेस का भी इशू है, बाकी सामान लग रहा है जी जी जी, तो इसीलिए हम वो वाला लगाएंगे जो आपके स्टॉक इलेक्ट्रिकल्स के ऊपर आराम से इजीली चल जाए जी जी। तो उसके लिए मैंने आपको जूनियर रिकमेंड किया है। और ये जूनियर नाम से जूनियर है भाई, ऐसे मत सोचना जूनियर है, ये सिर्फ नाम से जूनियर है। क्यों, मेरे सारे सबवूफर इससे बहुत बड़े बड़े आते हैं। अच्छा, अभी आप भाई लोगों की गाड़ियां का एक हल्का सा डेमो देंगे आपको, एक में तो वूफर उल्टा रिवर्स में लगा रखा है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो किस साइज का है। जूनियर बेसिकली ये कि 1200 आरएमएस रेटेड है, स्टार्टिंग ही आपकी 1200 आरएमएस है, उसके ऊपर आपका 2000 आरएमएस आ जाता है, फिर आपका 3000, और अब जो नए अपकमिंग मॉडल्स आ रहे हैं वो आई थिंक वो 4500 आरएमएस के आसपास रेटिंग कर रहा हूँ मैं अब जी। 4500 आरएमएस पर सबवूफर, पीक नहीं है भाई, पीक नहीं है आरएमएस। और भाई साहब इसको रन करने के लिए जो हम एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, जो हमें ऑटो ट्यूनर ने प्रोवाइड किया है, वो है आपकी गाड़ी के अंदर एम्पलीफायर जाएगा, वो जाएगा आपका SMB 1500 RMS। ओके, उसका रीजन ये है कि आपकी गाड़ी में अभी ज्यादा बड़ा एम्पलीफायर हम नहीं डालेंगे, क्योंकि उसके लिए जैसे पाजी ने बताया कि आपका स्टॉक बैटरी है, उसके लिए इलेक्ट्रिकल्स अपग्रेड करने पड़ेंगे, और इलेक्ट्रिकल्स अपग्रेड करना मतलब ये है कि उसके बाद आपको अल्टरनेटर भी करना पड़ेगा, मतलब इतना कोई आपको नीड नहीं है। आप ऑफ रोडिंग करते हो तो उसमें भी बहुत चीजें होती है कि जब झटके वटके आते हैं, आप हैवी सबवूफर लगाओगे उसकी कहते हैं मैग्नेट भी बहुत सबवूफर में दूसरों में ये चीज कंप्लेंट है। और भाई साहब ये आ गया अपना इंक्लोजर जो अपनी थार में लगने वाला है, तो इसके बारे में डिटेल्स दे दो। ये आपका 0.75 इंचेस में बना है MDF में। ओके, और इट्स ट्यून्ड एट 25 हर्ट्ज़। ओके, वो आई मीन 35 हर्ट्ज़, सॉरी 25 तो बहुत लो हो गया। ओके, इट्स ट्यून्ड एट 35 हर्ट्ज़, जिसमें आप पंजाबी अपना पॉप मतलब सारे जो भी मोस्टली जो जॉनर है वो प्ले कर सकते हो जी। और बाकी इसके अंदर प्रॉपर फाइबर वर्क किया गया है कॉर्नर में, जैसे आप देख सकते हैं कॉर्नर पे प्रॉपर फाइबर वर्क, जिससे फटफट फटफट ना, मतलब फाइबर का पूरा है कि आपकी कल को पेटी फ्लेक्स ना हो या एनक्लोजर जो है वो आपका कल को फटे ना जी। हाँ जी। और भाई साहब अब चलते हैं मेन अट्रैक्शन पे, गाड़ियां दिखा दो। और भाई साहब ये आगे हम किया की गाड़ी में, यहाँ पे देख सकते हो आप साथ में लिखा हुआ है ऑटो ट्यूनर बड़ा बड़ा, एंड यहाँ पे देखो भाई सेटअप। यार मैंने देखा है दिल्ली के लोग ऑडियो के बड़े शौकीन हैं बहुत, हम लोग मतलब तो मैं जब जनरली अकेला होता तो मैं इतना लाउड सुनता भी नहीं हूँ। अच्छा, ये तो ये है कि यार दोस्तों के चक्कर में लाउड लाउड तो चलो जी। ये देख रहे हो कितने मतलब बड़े बड़े वूफर हैं साथ में, ये देख सकते हो आप, ये इसके पोर्ट के लिए। ये हाँ जी, दीज आर एयरोपोर्ट्स, जो गोल वाली जो होते हैं इनको एयरोपोर्ट कहते हैं हम लोग। ओके, तो दीज आर एयरोपोर्ट्स, और जैसे आपने अभी देखा जो आपका इंक्लोजर है वो स्लॉट पोर्ट है। ओके ओके, मतलब ये ज्यादा बेस के लिए होता है, ये ज्यादा तो नहीं बट इसकी एफिशिएंसी थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़ा सा इसमें मेहनत ज्यादा लगती है बनाने में, ये चीज है, बट ऐसा कोई वो नहीं बट। चलो फिर सुना दो आवाज एक बार। और भाई साहब अभी फिलहाल देख सकते हो 1 2 3 4 कितने स्पीकर है भाई गाड़ी में? ये फुल रेंज है जो आपके स्पीकर्स हैं, ये हमारी मिड रेंज है जो इधर लगी हुई है डोर पे, जैसे आप लोग देख सकते हैं वीजा क्रिशेंडो ऑडियो मिड रेंज स्पीकर्स जी। ये न्यू मिड रेंज स्पीकर्स हैं, और इसके अंदर जो हम प्रोसेसर यूज कर रहे हैं वो हीलिक्स का है आपका 8 चैनल जी। और बाकी ट्यूटर्स में हमने इसमें हॉर्न्स लगाए, कंप्रेशन हॉर्न ड्राइवर्स जो ये है, ये आपको हर गाड़ी में देखने को नहीं मिलेंगे, दिस इज समथिंग रेयर। ये देख सकते हो भाई,
तो अभी आपको सुनाते हैं आवाज इसकी। और भाई साहब आप देख सकते हो यहाँ पे सेकंड गाड़ी में जो वूफर का साइज है ना वो है नेक्स्ट लेवल। ये देख सकते हो ये कितने इंच का है भाई? 15 सिंगल 15। चलो सुनाओ फिर भाई साहब। ये देखो इसमें भी स्पीकर, कितने स्पीकर है भाई? 18 टोटल 8 8। अच्छा 8। The next day. So, hello and welcome back to the channel. आप आ चुके हो एक और वीडियो में। Today we are gonna dyno our Thar and उसमें जो जो mods हैं वो explain करेंगे। But today is a day जहाँ पे हम focus करेंगे power पे। तो हम उसकी power कैसे बढ़ा सकते हैं वो आपको दिखाएंगे। साथ साथ में I think remap होगी stage 3 and straight pipe exhaust we have already put. Turbo upgrade we have already done. Filter we have converted to high flow filter. ऑल्सो हमने जो है इसमें स्नॉर्कल वर्किंग कर दिया है तो उसकी वजह से कोल्ड एयर इनटेक भी आ गया अपना। थ्योरेटिकली हमने सारी अपग्रेड्स कर दिए हैं तो अभी नंबर तो नहीं पता बट हम विश कर रहे हैं कि एटलीस्ट 40% तक का गेन मिले लास्ट नंबर से, क्योंकि लास्ट आई थिंक जब ये स्टेज वन हुई थी तो इट वॉज अराउंड 120 या 130 के आसपास होगी आई थिंक। तो आज होप कर रहे हैं कि उससे 30-40% बढ़ जाए। तो बाकी यही सीन है यार, अभी चलते हैं सीधा लोकेशन पे एंड टुडे विल टेल यू। और हाँ, सबसे मेन बात है जो हमारी गाड़ी डाइनो हो रही है ना उसके लिए स्पेशली हमने टायर्स चेंज किए हैं। और ये आई थिंक मैंने साउथ में ही देखा है, नॉर्थ में कहीं नहीं देखा कि किसी की गाड़ी डाइनो हुई हो। तो डाइनो के लिए हमने बहुत सिद्धि ली। और डाइनो का मेन रीज़न जो था वो ये नहीं था कि हमें पावर मेजर करनी थी, ये रीज़न था कि जो टर्बो है, क्योंकि इस गाड़ी में ना बूस्ट प्रेशर सेंसर नहीं आता तो इसमें जो टर्बो की परफॉर्मेंस है वो हमें और किसी तरीके से पता नहीं चल सकती थी रादर देन डाइनो। क्योंकि आप देखें ना उसमें मतलब लिमिटेड वो एक मास एयर फ्लो सेंसर आता है और आई थिंक एक क्रैंक सेंसर आता है, इतने कुछ मतलब खास सेंसर्स हैं नहीं इस वाली गाड़ी में, उसकी वजह से दिक्कत आती है। मतलब आप इतना वो नहीं ले सकते, अदरवाइज़ वो इनका एक टूल होता है उनको लगा के आप मेजर कर सकते हो कि बूस्ट प्रेशर कितना है मतलब नए इंजन पे एम हॉक पे। अभी फिलहाल सीधा लोकेशन पे चलते हैं। और भाई साहब फिलहाल पहुंच गए थे जीटी ट्यूनर, अभी यहाँ पे अपनी गाड़ी खुल चुकी है। छोटे टायर लग चुके हैं क्योंकि डाइनो पे जो ये वाले व्हील्स हैं वो फिट नहीं होते, बाकी अपना मतलब डाइनो प्रोसेस हो जाए। अभी फिलहाल मैप सेंसर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था मुझे ट्यून करने के लिए एसेंशियल, बाकी अभी कराते हैं अपना सारा काम एंड फिर आपको दिखाते हैं आगे के सीन्स। भाई साहब फाइनली पहुंच चुके थे लोकेशन पे रुद्रा कस्टम, देख सकते हो आप इन भाई के पास ये सारा सामान है एंड अभी अंदर चलते हैं। और सबसे मेन बात इनके पास सीट कवर भी बड़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो अभी अंदर चलते हैं, आपको इनका शोरूम का टूर देते हैं और आपको बताते भी हैं कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं आज। तो क्या हाल है आपका? बढ़िया सर। क्या नाम है आपका? राजकुमार। तो क्या क्या मिलता है अपने रुद्रा कस्टम पे ये बता दो। सर यहाँ पे कार की पूरी मतलब अपर बॉडी बॉडी किट वगैरह पूरी डिटेलिंग मॉडिफाई करते हैं। ओके मतलब ये देख रहा हूँ प्रॉपर डूटोर, ये डिटेलिंग सेक्शन है यहाँ पे कार की, पीपीएस लाइक रैपिंग्स और आपका सेरेमिक कोटिंग्स डेकिंग कोटिंग्स ये सब यहाँ होता है। और भाई साहब ये प्रॉपर इनका डिटेलिंग स्टूडियो है, खैर उस पर आते हैं। सबसे पहले ये बताओ ये क्या है? ये सर हमारा ऑटो होम का फ्रेंचाइजी है पूरा, सीट कवर से लेके एक्सेसरीज तक सब इसमें हम कवर करते हैं। गाड़ी के लिए मैट्स वगैरह और कम्फर्टेबल के लिए हमारे पास होता है कुशन्स वगैरह, नेक कुशन्स होता है, सीट होती है, पिलोज होते हैं और बाकी सारे। और मैट भी है आपके पास? 70 मैट्स अवेलेबल हैं। तो भाई साहब देख सकते हो ऑटो फॉर्म के मैट भी हैं भाई के पास अवेलेबल। 70 मैट्स हैं। ओके। इसमें लॉकिंग सिस्टम नहीं है, इसमें आपका वेलक्रो टेपिंग हो गया, क्लीनेबल इजी होता है और वेलक्रो इजी है। अच्छा मतलब जल्दी से खोलो क्लीन करो वापस लगा दो, वापस से आप लगा लो। एंड हम यहाँ पे किस लिए आए हैं वो बोले प्रोडक्ट दिखा दो हमें। आपको जो रिक्वायर्ड है वो 360 का है। हाँ 360, क्योंकि भाई आपको पता है हमारी थार जो बहुत लिफ्टेड है, ये जो तो, है हाइपरसोनिक ब्रांड है। ओके इसका इनका है 360 कैमरा सेटअप। ठीक है तो भाई इनका 360 और एएचडी कैमरा है ना प्रॉपर? एएचडी कैमरा प्रॉपर, इसकी हाई डेफिनेशन यूज है। चलो भाई ये देख सकते हो रेजोल्यूशन अच्छा है इसका, ये एच डी लिखा हुआ है ना यहाँ पे। तो अभी ये हमारे को बहुत यूजफुल होगा क्योंकि हमारी गाड़ी जो है वो लिफ्टेड है। बाकी साथ साथ यहाँ पे भाई ये हमारी हेडलाइट्स हैं GCS। तो भाई साहब ये हेडलाइट है जो हम 700 में यूज़ करने वाले, तो GCS कंपनी की है। बाकी इनके पास और आपका इंडिकेटर। चलो बढ़िया, DRL इंडिकेटर।
बाकी भाई ये इनके पास रेंज है पूरी, अगर किसी ने भी आना है भाई नीचे नंबर फ्लैश हो रहा होगा तो वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी ये चेकआउट करो, इनके पास प्रॉपर जिमनी की भी लाइट्स हैं, लैडर्स हैं, जिमनी की टेल लाइट है, टर्बाइन वेंट्स हैं, कार्डी के ये हैं टेल लाइट थार की, नीचे और टेल लाइट थार की, ये हाइपरसोन थार के लिए, इसको नाइट बस्टर कहते हैं, नाइट बस्टर होता है सर ये, एक्स्ट्रा आपको ऑक्सिलरी लाइट। और भाई साहब भाई ने अभी बताया कि इनके पास इनका डिटेल्ड अपना खुद का वॉशिंग स्टेशन भी है, यहाँ पे गाड़ी लगा के वॉश होती है फिर पीपीएफ वगैरह होती है, वॉशिंग के बाद सीधा गाड़ी एंटर होती है। चलो बढ़िया, तो भाई ये बड़ी सही चीज़ है, मतलब शोरूम के अंदर आके काम होता है अपनी गाड़ी का। एंड अभी फिलहाल हमारी गाड़ी तो पेंट हुई नहीं है, वरना उसका भी दिखाते हैं आपको। अभी चलते हैं वापस जीटी ट्यूनर्स, वहाँ का देखते हैं क्या सीन बनता है और फिर आपको दिखाते हैं। साहब आप देख सकते हो हमारे आसपास जो ये ऑरेंज ऑरेंज चीज़ें हैं ना, ये क्या होती है? ये होती है महिंद्रा एंड महिंद्रा जेन्युइन पार्ट्स। तो भाई साहब यहाँ पे हमारे पास भाई है, चूँकि भाई क्या नाम है आपका? भूपेश। भूपेश भाई, हम तो इनको किसी अलग नाम से जानते हैं, काका बंसल वाले भैया। और अभी फिलहाल हम यहाँ पे आ चुके हैं, ये देखो क्या कहना चाहते हो आप हमारे प्रोजेक्ट के लिए, पहले ये बताओ। बहुत सरप्राइजिंग प्रोजेक्ट है आपका। ओके, जो आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो और बाकी हम तो खैर महिंद्रा का सब काम करते हैं, सारी रेंज रखते हैं, मतलब हर तरीके की डिमांड सब जगह से आती है, और बस जो सामान है आपके सामने है, तो सारी रेंज हमारे पास महिंद्रा की जनरल पार्ट्स के अवेलेबल है। ये हमने ना, ये ऐसे आपको लग रहा होगा नॉर्मल पार्ट्स ही, ये पार्ट्स मिलते मिलते बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो अभी ये सारे पार्ट्स हमने ले लिए हैं, और ये सारे पार्ट्स हमने लिए हैं इन भाई साहब से। भाई साहब कहाँ पे? हमारा महिंद्रा का एम शॉप ही है, महिंद्रा का रिटेल आउटलेट है। ओके, ये पटियाला डिस्ट्रिक्ट में नाभा सिटी है, 30 किलोमीटर फ्रॉम पटियाला। ओके, लुधियाना रोड के ऊपर, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल सेपरेट स्पेशली आना पड़ेगा आपको नाभा साइड के लिए। मगर अगर स्पेशली आ रहे हो तो एक एक पार्ट मिलेगा, मतलब जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी, क्या यार ये नई थार के सेंसर हैं, बैटरी कट ऑफ स्विच, कॉम्बिनेशन स्विच, और पुरानी थार का डैशबोर्ड भी आपके पास। और भाई साहब फाइनली पहुंच गए थे यूनिक ऑटोज, और अभी यार ये बड़ी यूनिक सी चीज जो कि हमने आपको कल थोड़ा सा क्लिप दिख रहा होगा कि हम ये बहुत सारा सामान लेके आए हैं इसका, तो अभी ये लगवाते हैं। ये चीज ना हमारी गुम हो गई थी और ये चीज मिलती भी नहीं है कहीं पे, तो ये लगवाते हैं और आपको दिखाते हैं सीन आगे। तो ऐसा भी ये देख सकते हो आप, गाड़ी में पूरा का पूरा डेंटिंग का काम हो चुका है, पुट्टी भी लग चुकी है, अपना टायर कैरियर फिलहाल खोला हुआ है, एंड ये देख सकते हो यार पूरा पुट्टी का वर्क, वहाँ तो फाइनल पुट्टी स्टार्ट हो गई है। एंड गाड़ी आप देख सकते हो पूरी बोनेट की अलाइनमेंट देखो, फाइबर का बोनेट है मगर अलाइनमेंट से ना कहीं आपको आउट नहीं लगेगा। और अभी फिलहाल ग्रिल की वो चल रही है, मतलब प्रेप वर्क, आगे से भी अपना ये चीज़ लग गई है, तो अभी मतलब अपनी गाड़ी ना फुल प्रेप है, मोस्ट प्रॉब्ली इसी वीक में नेक्स्ट वीडियो में आपको दिख जाएगी फुल प्रॉपर पेंट होके। और ऑल थैंक्स टू मनप्रीत भाई जो कि अभी बिजी हैं। बाकी अभी आपको एक और बहुत स्पेशल चीज़ दिखानी थी, वो भी आपको छोटा सा, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आपको दिखा के। तो भाई साहब 1 2 3 ये देखें, इस चीज़ को पहचानते हो? पहचानते ही हो गया वैसे तो। बाकी यार ये देखो इसका पेंट वेंट हो गया था प्रॉपर वाला, अभी बाकी काम जो होगा वो आपको 700 के बाद ही दिखेगा मोस्ट प्रॉब्ली, बाकी ये चेक कर सकते हो आप।